अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाइद अंसारी और हम सब रोज़े रख रहे हैं। गर्मी है मगर गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ी। और अगर आप ये सोचें कि गर्मी नहीं है तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, आप सोचें और आप देखिएगा आपको गर्मी नहीं लगेगी। और मेट्रो से ज़बरदस्त शॉपिंग भी हुई है, पूरे आपने रमज़ान से पहले शॉपिंग भी करी है और ज़रूरत है और जाए, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं और बजट कंट्रोल है। जैसे हर जगह आपको महंगी चीज़ें लगती हैं, वहाँ जाके आपको लगता है कि चीज़ें कंट्रोल में हैं और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें वहाँ आपको मिली। उनके अपने ब्रांड्स इतने ज़बरदस्त हैं, वैरायटी खाने पीने की चीज़ें तो ज़बरदस्त हैं, उसके अलावा भी चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो आपके बेडरूम का सामान हो, बेडशीट्स हो, वॉट एवर यू नेम इट एंड दे हैव इट। तो वहाँ ज़रूर आप शॉपिंग करें, कर भी रहे होंगे। और आज हमारे पास जो ख़ास मेहमान हैं और उनसे मैं आपकी मुलाकात करा रही हूँ और वो जो ज़बरदस्त डिशेस बना रहे हैं वो खुद बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर एंड मिसेस मसब जी। नाम इतना ज़रा सा मुश्किल है, मैंने कहा भूल जाती हूँ मैं तो। एनी का तो नाम बहुत आसान जी, बिल्कुल। और आपके दोस्त सब याद रखते हैं? हाँ, अभी तक तो याद रखे हुए, याद रखे हुए, इसलिए मैं भी उनको याद रखता हूँ। अच्छा। और आप लोगों को रोज़ा लग रहा है? लग रहे हैं? गार्लिक बटर राइस। ओके, और ये शॉपिंग कहाँ से हो रही है आपकी? शॉपिंग मेट्रो से होती है। और क्या चीज वहाँ की आपको सबसे अच्छी क्या चीज है? तकरीबन सभी चीजें, क्योंकि ग्रोसरी के सारे आइटम हम वहीं से लेते हैं मेट्रो से, तो समझ लें कि मसाले हों। कौन सी वाली आप ब्रांड पे जाते हैं? मैं बेसिकली जाती हूँ जो सफारी पार्क के पास है, यूनिवर्सिटी रोड पे जो है, नियरेस्ट बड़ी है। मगर इनकी हर जगह ही बहुत बड़ी है और आप इंजॉय करते हैं, मैंने देखा, बोर नहीं होते जिस जगह चले, खुली जगह है बिल्कुल। और सबसे ज्यादा बच्चों के साथ जाते हैं तो स्पेशियस है, बड़ा सुकून से बच्चे जो है वो एंजॉय करके शॉपिंग कर लेते हैं। जी बिल्कुल करते हैं, अपनी पसंद की आर्ट की चीजें हैं इनकी, स्कूल की कुछ चीजें होती हैं, इनको डायरी लेने का बहुत शौक है, तो ये काफी वैरायटी उनको मिल जाती है वहाँ जाके। खाने पीने में भी रमजान के लिए अपने साथ खाने पीने में जी खाने पीने में फ्रोजन आइटम्स हैं, और इसके अलावा जो है अपना फ्रोजन ये आपकी वेजिटेबल्स वगैरह हो गई। फ्रोजन में बहुत फायदा है, बहुत ज्यादा, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, ना काटना पड़ता है, कुछ भी नहीं, हर चीज वहाँ पे मौजूद बिल्कुल हर चीज। तो आपने वहाँ आज जो आप बना रही है डिश, वो क्या बना रही है? मैं आज बना रही हूँ तवा चिकन और उसके साथ मैं सर्व करूँगी इंशाल्लाह गार्लिक बटर राइस। घर में बनाती हूँ जी, घर में बहुत बनाती हूँ। और ये वाला आइटम ऐसा है कि जरा जल्दी ही बनाने वाला होता और है। ये ऐसा भी आइटम है कि खाना और इफ्तारी दोनों बिल्कुल पेट भर देगा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सहरी में आप लोग क्या क्या खाए जाए? सहरी में बेसिकली सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि लस्सी या कोई दही की चीज़ हो, और पराठा और ऑमलेट हो गया या शामी कबाब हो गया जी। तो जरा तैयारी अच्छी होती है। हाँ, ये है, फिलिंग हो जाती है रोजा। बच्चों को जो है रोजा लगता है कि नहीं लगता है? अभी तो फ्रेश अभी तो है, मुस्कुरा रही है जी। हाँ, अभी तो स्टार्ट है, इसलिए तो अब हम चलते हैं किचन में और आपकी डिशेस मैं भी सीखती हूँ कि आप क्या बना रहे हैं। आप क्या बना रही है बताएं? आज हम लोग बना रहे हैं तवा चिकन, जो कि थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है। यूजुअली हम लोग पैन में या कढ़ाई में बनाते हैं, तो आज हम तवा में चिकन बनाएंगे। ठीक है। और अच्छा, बहुत सारे लोग छोटे पीसेस बनाते हैं, तो आप बना रही हैं? जी, मैं टिक्का वाले पीसेस में बना रही हूँ। ठीक है, ठीक है। और उसमें और मैं सारी चीज़ें मेट्रो से ली जी, बिल्कुल बिल्कुल मेट्रो से ली हैं। हाँ। और ये मेट्रो से मैंने चिकन बाय की थी। हाँ। और इसके अलावा ये हमने वहीं से इन्होंने ली थी, मगर ये पहले से मैरिनेट करके रखनी पड़ती है क्योंकि इसको पहले डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है। और फ्रेश भी मिलती है, मगर क्योंकि मसाला अंदर जाएगा तो मैं भी आपसे आज सीख रही हूँ। ठीक है ना? तो बस अब चलिए, आप शुरू। मैरिनेशन जो है वो हमने 30 मिनट्स हमें रखनी थी, तो इसलिए मैंने पहले से इसको मैरिनेट करके रख दिया जी। अच्छा, मैरिनेशन में हमने ये किया था कि अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून, ठीक है। और उसके अलावा हमने लेमन जूस डाला था उसके अंदर 2 टेबल स्पून, और इसके अलावा हमने पेपरिका पाउडर डाला था, ठीक है, वो हमने डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून, ठीक है। और इसमें हमने मैरिनेट कर दिया, सॉल्ट डाला था टेबल टू टेस्ट लगाए, बिल्कुल कट लगाए, ठीक है। ये हमने मैरिनेट करके रख दिया, इसको हमने रखना है 30 मिनट मैरिनेशन के लिए, या ओवरनाइट भी रख सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं बिल्कुल, जितना ज्यादा। हाँ, रमजान है तो रात को जब आपने रोजा वोजा खोल लिया, खाना खा लिया, नमाज़ें,
रात को करें ताकि बिल्कुल बिल्कुल बल्कि कुछ लोग तो दो तीन दिन के पहले भी रख देते हैं तो उससे अच्छा टेस्ट और अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो हम इसको प्लास्टिक बॉक्स में डाल के जी बिल्कुल बिल्कुल बॉक्स करके रख सकते हैं। ठीक है तब हमने गरम करने को जी। अब उसके बाद हम ये करेंगे इसलिए हम लोग पहले अच्छा दही को जो है मिक्सचर बना लेते हैं दही का। मगर आप ये क्यों नहीं करती, आप ऑयल डाल के चिकन को रखें फिर आप बाद में डालेंगे। ठीक है सही है ठीक है ऐसे कर लेते हैं। क्योंकि रमजान है और हम सबको टाइम को सेव करना है। जब टाइम को सेव करना है मैरिनेशन भी पहले से जाए और ये जो चीजें हैं, हालांकि तवा थोड़ा सा छोटा है मगर ये कह रही है यानी कि मैनेज कर ले। और ये तवा भी हमने वहीं से लिया है जी बिल्कुल, ये भी मेट्रो का है वहां पे बड़ी अच्छी अप्लायंसेस और सब चीजें होती हैं, वहां पे मिलती है। मेरा कैप शुरू करें। ठीक है हम कवर नहीं खोला इसका, कवर तो खोल हो गया कट नहीं कर रहे ना, ये होता है। ठीक है इसमें हमने डाल दिया 2 टेबल स्पून ऑयल। ठीक है अब मैं इसमें जा रही हूँ चिकन। सर जब तक ये बिल्कुल जब तक ना हो रहे हम इसको कवर कर लेते हैं। अब आप ठीक है मिक्स कर। अच्छा अब इसमें हम लोग ले रहे हैं दही, दही हम लेंगे 1 कप। ठीक है और इसमें हम लोग 1 टीस्पून का यूज़ करेंगे। उसमें हमने ये करना है दही में हम थोड़ा सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा सॉल्ट हमने उसमें चिकन में डाला हुआ लेकिन थोड़ा सॉल्ट मैरिनेट किया हुआ है बिल्कुल, थोड़ा इसमें डालेंगे ताकि टेस्ट अच्छे तरीके से। सारी चीज़ें मेट्रो से ली हुई हैं आप देखिए, बिल्कुल फ्रेश है और सॉल्ट भी बहुत अच्छा, सारे मसाले बिल्कुल फ्रेश हैं और बड़े ज़बरदस्त बिल्कुल। मेट्रो से ये है कि आपको बड़े ताज़ा और हर चीज़ अच्छी मिल जाती है, रीज़नेबल मिल जाती है। इसमें हमने डाला गरम मसाला 1 टीस्पून। ठीक है यूजुअली लोग जो है वो 1.5 भी ले लेते हैं क्योंकि टेस्ट के बिल्कुल कल कुछ लोग मगर रमजान में थोड़ा चटपटा कम खाना चाहिए, सीने में जलन होती है तो गर्मी और एसिडिटी का मामला ज्यादा हो जाता है, तो उस वजह से इसमें हमने ये हमने लिया है कुटा हुआ और भुना हुआ धनिया दीरा जी बिल्कुल। अच्छा दीरा जो है वो हम ले रहे हैं इसमें 1 टीस्पून। ठीक है और उसके बाद हम लोग लेंगे यहाँ पे धनिया कुटा हुआ भुना हुआ 1 टीस्पून। अच्छा इसमें हम लोग लेंगे लाल मिर्च, लाल मिर्च का इस्तेमाल हम लोग करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून ही कर लेते हैं या क्योंकि हमने उसमें ऐसा कुछ ऐसा मसाला नहीं डाला है तो हम इसलिए दही में इतनी मिर्च डाल दें कि वो उसमें फ्लेवर अच्छा आ जाए। ठीक है अच्छा उसके अलावा हम हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, हल्दी का इस्तेमाल हम 1 टीस्पून इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर ज़रा सही रहता, कलर ज़्यादा हो जाता है वैसा। और आपको पता है सेहत के लिए बहुत अच्छी जी हल्दी का वो आजकल तो जो है वो गोल्डन मिल्क बहुत पिया जाता है, गोल्डन मिल्क और वो भी फ्रेश बिल्कुल मैंने ली है वहाँ से, फ्रेश हल्दी भी ली है और वो ला के आप रखें घर में बिल्कुल तो खा भी लें और इसी को इस्तेमाल करें बिल्कुल सही कहें। अच्छा ये हमने सब चीज़ें इसमें डाल दी और हम काली मिर्च पाउडर रह गया वो हम डालेंगे, वो भी हम तकरीबन 1/2 टीस्पून डालेंगे, 1 मिलेंगे वो हाफ लेंगे। ठीक है अच्छा अब इन सब चीज़ों को हमने डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लिया जितनी देर में हमारी चिकन जो है वो कुक हो रही है। टाइम सेव करें और मैरिनेशन और अगर आप चाहें तो यानी ये कर सकते हैं कि ये जो आपने दही लगाया उसको भी हम बिल्कुल चिकन बिल्कुल डाल सकते हैं। आज मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बना रही हूँ वरना मैं यूजुअली उसमें भी डालती हूँ। इसमें भी टाइम सेव हो, इसमें ये होगा कि हम लोग जो है पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसी दही के पानी से ही वो कुक हो जाएगी अच्छे से। और कहते हैं कि पानी अगर आप चिकन में डालें तो फिर जो है वो चिकन का अपना फ्लेवर खत्म हो जाता है, तो इसलिए चिकन में आप डालेंगे आप दही बिल्कुल जबरदस्त। चलो और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है बिल्कुल जबरदस्त। इसके साथ साथ हम यहाँ पे इसमें ऑल योगर्ट डालना शुरू कर रहे हैं। अच्छा अभी हम लोग 1 साइड पे डाल रहे हैं फिर उसके बाद थोड़ा जब और कुक हो जाएगा फिर हम 2nd साइड पे डाल देंगे। ठीक है और इसको आप सर्व किसके साथ करेंगे? सर्व कर रहे हैं हम इसको आज इंशाल्लाह ताला गार्लिक बटर राइस के साथ। ओके और राइस जो है बड़ी अच्छी राइस है मेट्रो के ऊपर जी, राइस बड़ी जबरदस्त है और बड़ा खिला खिला चावल आपको मिलता है, उनकी अपनी भी प्रोडक्ट्स हैं और बहुत ही जबरदस्त चावल बनते हैं। और अच्छा ये जब आप कोई चीज ग्रिल कर रहे होते हैं कुछ एक स्मेल सी हो जाती है ना बिल्कुल, तो मेट्रो की ये भी प्रोडक्ट्स हैं और इसमें वैरायटी और फ्रेशनर्स हैं, एयर फ्रेशनर्स ये कूल समर है, ये ऊद है, नहीं चॉकलेट तो मैं नहीं डालूंगी, चॉकलेट रोज अच्छा है, ऊद अच्छा है जी, ताकि ये आपकी
घर में एक ताकि कैंडल जला दें, ये प्रोडक्ट्स हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है कि जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं 27 कंट्रीज में जाती हैं, बिल्कुल, और उन्हीं के स्टैंडर्ड के हवाले से उनकी पैकेजिंग होती है, 27 कंट्रीज में प्रोडक्ट जाना, और जबरदस्त चीजें बनती है। आप, मैंने सुना आप खाना बहुत अच्छा बनाती है, सैलेड भी बहुत अच्छे बनाते, देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या क्या बनाती मैं हर तरह के खाने बनाती हूँ, लेकिन मेरी जो अमूमन कोशिश होती है ना, वो जल्दी और जल्दी से झटपट वाला खाना बन जाए, बच्चे ताकि बच्चों का साथ है और बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से हमेशा। वहाँ से आप क्या, वहाँ से कौन सी प्रोडक्ट लीजिए जिससे सैलेड बन जाए? वहाँ से जो सैलेड के लिए ओलिव है, ब्रोकली है, कैबेज है, कैरेट है, कुकम्बर है, मुझे जो है वो बहुत पसंद है, कॉर्न बहुत पसंद है जी, पीस बहुत पसंद है, और इनको सब मिक्स करके बड़ा अच्छा सा सैलेड आप बनाएं, और आपको दही को डालना है जी। अब हम इसको ना फ्लिप ऑफ कर देंगे जी, थोड़ा सा काम मैं भी तो कर हेल्प करती हूँ। मार्केट निकल गई कहीं बच्चों के स्कूल से लेके आई और खाना रेडी नहीं है, तो बस झटपट वाला काम जो होता है ना वो जल्दी हो जाती है, बच्चे रेडी होते हैं देर में ये खाना रेडी हो जाता है, बिल्कुल। और क्या क्या आपको पता है वहाँ की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके पास, सिर्फ ये नहीं है कुकिंग के, और ये भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके, हैंड वॉश जी, इनके हैंड वॉश बहुत अच्छे हैं, ये भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है, और ये है पर्लाइज कूल वाटर, इसी तरह इनके स्पंजेस हैं, सोप है, ये सब चीजें आप एक ही जगह जाके आप जब लेकर आते हैं तो फिर आपकी आसानी हो जाती है, बहुत आसानी हो जाती है, बार बार नहीं जाना पड़ता या किसी को भेजना नहीं पड़ता, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, बिल्कुल। ग्रोसरी करने जाने का ये फायदा होता है मेट्रो में कि आपको हर चीज वहाँ पर अवेलेबल होती है, बिल्कुल, एक ही दफा में मिल जाती है, इजीली मिल जाती है, और बच्चे भी खुश होते होंगे वहाँ जाने, बहुत खुश होते हैं, वो समझते हैं कि कोई पार्टी हो रही है, अभी इसको प्लान करना है हमें क्या नहीं जी, ठीक है। इसमें हम कलर तो जबरदस्त आ रहा है जी, इसमें जो है जब वन साइड कलर आ जाएगा बस हम उसके एंडिंग में जो है इसमें हरी मिर्चें, अभी आपका अपना हिसाब किताब है जितना आप डालना चाहें, थोड़ी हम लोग में फाइन गार्लिक चॉपी हुई डाल देंगे, और खुशबू दोबारा करती हूँ, अब मैं दूसरा ट्राई करती हूँ, मैं हरा धनिया डालेंगे इसमें, और लेमन, जबरदस्त चीज है ये, इस्तेमाल करें, अच्छा बस इसको फिर हम दम पे रख के बिल्कुल कवर कर, ये तो आपका हो गया। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे? इसके बाद हम लोग बना रहे हैं गार्लिक बटर राइस, हाँ इसके बाद हम बनाएंगे कढ़ाई, तो अब हम क्या बना रहे हैं? अब हम लोग बना रहे हैं गार्लिक बटर राइस, ठीक है। अच्छा इसमें हम लोग करेंगे ये कि बटर लेंगे, अच्छा ये वाली जो रेसिपी ना ये बड़ी बच्चे जो हैं बड़े शौक से खाते हैं, ठीक है, और बटर, हाँ मेरे तो भाई मेट्रो जाना है और बच्चे मक्खन ज़रूर लेके आएगा, मतलब आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, कैसा आपको बेगम के हाथ का खाना कैसा लगता है? हम तो इंतजार में बैठे हैं कि आप कुछ बना के दें, तो हम इफ्तार का इंतजार नहीं है, बेगम के खाने का, बेगम के खाने का इंतजार, अच्छा अच्छा इसलिए खामोश बैठे हैं। और बच्चों को रोजा लग रहा है आप लोग? लग रहा है कितना? बहुत लग रहा है। और अम्मी की ये जो चिकन अम्मी ने बनाई है अच्छी लगती है आप लोगों को? बहुत अच्छी लगती है, वेट कर रहे हैं इसके लिए, मतलब इसका साइड डिश बना रहे हैं, आप जल्दी से ठीक है, चलें मैं इधर रखती हूँ फिर। अच्छा जी, हमने यहाँ पे इसमें पॉट ले लिया है, इस पॉट के अंदर अब हम लोग बना रहे हैं गार्लिक बटर राइस, ठीक है। इसमें हम लोग बटर का यूज़ करेंगे, अच्छा बटर भी जैसे ही मैं बता रही हूँ, मैं बच्चों को बड़ा शौक है भाई बटर खाने का, तो बटर जो है वो मेट्रो का नाम सुनते ही बस बटर जरूर लेकर आएगा, कुछ लाए ना लाए बटर जरूर लाइएगा, बटर के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त जी। अच्छा इस बटर में हम लोग डाल देंगे अनियन, बिल्कुल अनियन जो है वो हमने ले ली, एक छोटी प्याज ले ली वो इनफ होती है, थोड़ा हमने इसमें लहसुन के जगह डाल दिए चॉप किए हुए, और इसमें हमने से तो ये तो बिल्कुल ज़रूर से। अच्छा इसमें फिर हमने डाल दिया लहसुन का पाउडर, ठीक है, थोड़ा सा हाफ टी स्पून, अगर नहीं है गार्लिक पाउडर तो आप इसकी जगह फ्रेश ज़्यादा डाल सकते जी, बिल्कुल, मगर ये भी आपने वहीं से लिया गार्लिक पाउडर? बिल्कुल गार्लिक पाउडर भी वहीं से लिया है और गार्लिक भी। अच्छा ये ब्लैक पेपर डाल दिया हमने टी स्पून, और हमने सूरत में ये बता रहे होते हैं कि आप लोग जब जाएँ तो अच्छी तरह से घूमें आराम आराम से, और देखें वहाँ कितनी सारी प्रोडक्ट्स हैं उनकी अपने ब्रांड्स,
मतलब उसके अंदर ऑयल है, राइस है, अवामी राइस है। बिल्कुल, जो आप ये बना रही है गार्लिक राइस, ये अवामी राइस से बहुत अच्छे बनते हैं, अवामी के ब्रांड के बहुत प्रोडक्ट्स हैं। सही है, अब क्या डाल रही हूं? अब इसमें थोड़ा हम नमक डाल रहे हैं। अच्छा, मैंने जो है राइस पहले ही थोड़े बॉईल कर लिए थे, क्योंकि था इतना टाइम, मैंने नमक डाला जी, उसमें थोड़ा नमक डाला, तो थोड़ा सा मैंने और डाला इसमें। ठीक है, अब इसको हम अच्छी तरीके से कुक होने देंगे। ये हमारा जरा सा, अच्छा इस चिकन के साथ राइस, सबके घरों का अपना तरीका है, चावल से भी अच्छे लगे और नान और पराठे से भी। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से रूखी ये बहुत अच्छे लगे। जी सही कह रही हैं आप, बिल्कुल। सस्ती अभी प्याज हमारी हल्की थी, थोड़ी गोल्डन ब्राउन हो जाए और गार्लिक भी। फिर हम लोग उसमें क्या करेंगे, चावल ला के सूटी कर लेंगे। ओके, ठीक है, आप डाल दें, बिल्कुल डाल दें। और क्योंकि यहाँ पे जरा वो चिकन की स्मेल वगैरह है जी, तो मैं यहाँ पे आज इस्तेमाल कर रही हूँ बेरीलिशियस। ये बड़ी ज़बरदस्त स्मेल्स हैं इनकी, प्रोडक्ट जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त। ये थोड़ी सी फ्रेशनेस है किचन में जो आपका, हाँ बिल्कुल, बड़ी महक है, अच्छी स्मेल है इसकी। ये चीज़ें लेके रखें, बच्चों को भी ये सिखाएं कि कभी मेहमान आ जाए, कुछ ज़्यादा धुआं हो जाए तो आप ये स्मेल करते हैं तो सारा खाने की स्मेल खत्म हो जाए। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल। बस ये अब हमारा हो जाएगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा बटर और ही डाल दें, बटर और बच्चे खुश हो जाएंगे। हाँ, जी बच्चों के लिए कह रही हैं। चलिए हमने थोड़ा और डाल दिया, राइस ज़्यादा हो तो फिर बटर और ज़्यादा ले लेंगे। जी फिर क्वान्टिटी उस तरह से आप अभी फ्राई करना है। जी अभी बस ये थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए, ये ऑलमोस्ट होने वाला है। मतलब आपको मेट्रो की प्रोडक्ट्स रादर वहाँ शॉपिंग करना अकेले में और बेगम और बच्चों को कैसा लगता है? देखिए बहुत सेफ है जाना वहाँ पे, सबसे अच्छी बात यह है, सेफ इसलिए कह रहा हूँ कि इकोनॉमिकल है, तो जाके ये टेंशन नहीं होती कि क्या क्या चीजें ले लेंगे, तो कुछ ज्यादा बच्चे अगर कुछ चीजें ज्यादा भी खरीद लें तो कोई मसला नहीं होता। तो बहुत इकोनॉमिकल है और कन्वीनियंट है जाना, पार्किंग इश्यूज वगैरह नहीं होते आपको आमतौर पर, घर के करीब है और वैरायटी आपको मिल जाती है, हर चीज घर के करीब है। बड़ी इतनी जगह है कि आप वो हॉटस्पॉट नहीं होता। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है, तो ऐसे ही लगता है। बड़ा कन्वीनियंट एक्सपीरियंस रहता है फैमिली के लिए कि वहाँ जाए आप मुख्तलिफ एक लार्ज रेंज आपको मिल जाती है वहाँ से, खाने की अलग है। एग्जैक्टली दूसरी प्रोडक्ट्स जो है, बिल्कुल होम अप्लायंसेज हैं आपकी, अगर आपकी घर के लिए आपने कुछ कर्टन्स या कुछ बेडशीट्स वगैरह लेनी है तो वो भी आपको इजीली मिल जाएगा। हर चीज, बिल्कुल हर चीज, और बड़े सुकून से ग्लासेस मैंने वहां से बहुत लिए हैं, मतलब हर दफा अलग अलग डिजाइन होते हैं। सही, तो ये चीजें आप लोग भी जाएं और लें, जिसने नहीं लिए, बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट, आपको वहाँ रोजा भी नहीं लगेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ राइसेस हैं इनकी, अपने ब्रांड्स की, तो वो आप ले जिस चीज़ के लिए, बिरयानी के लिए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा जो है मैं हरा धनिया डाल रही हूँ थोड़ा इसके लिए। आपको बेगम का कौन सा खाना अच्छा लगता है? बेगम का कौन सा खाना अच्छा लगता है? सारे खाने, अभी सामने तो मैं सबकी तारीफ करूँगा, सभी अच्छा लगता है। अच्छा ये बनाती रहे, अच्छा बनाती है तो अच्छा ही लगता है, सारे खाने अच्छे लगते हैं। आप लोग तारीफ नहीं करते, खामोशी से खाते हैं तो पता चल जाता है कि तारीफ हो रही है। बच्चों को कौन सा खाना अच्छा लगता है अम्मी का? मेट्रो में जाके क्या शॉपिंग करती हो? बच्चों को स्टेशनरी का बहुत, बिस्किट्स और कुकीज और चॉकलेट, वहाँ तो बहुत सारी चीजें वो नहीं लेती आप लोग? लेते हैं ना सर, लेते हैं। अम्मी अब्बू को कभी गिफ्ट दिया है वहाँ से लेके? वहीं से लेते हैं ना सब कुछ। अच्छा आप ये हमारे बिल्कुल रेडी हो गए, देखें गार्लिक बटर राइस। ठीक है, थोड़ा सा हरा धनिया और डाल सकते हैं जी, बिल्कुल, ताकि थोड़ा सा कलर आ जाए। अच्छा इसके ऊपर हम लोग, अच्छा मैं ये चावल डिश आउट करती हूं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने शरबत बनाना है, और वो भी जो हमारा फाइन लाइफ है मेट्रो का, शरबत शीरी। अब आप कैसे बनाती हैं ये मैं आपको देखती हूँ। ठीक है, तो ये जो शरबत है ज़बरदस्त शरबत है, इसमें आपको चीनी की भी ज़रूरत नहीं है और टेस्टी बहुत है, और रमज़ान में इसके बगैर गुजारा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इसमें ये करने जा रहे हैं कि
हमने 1 लीटर वाटर ले लिया। अच्छा ये वाटर काफ़ी कोल्ड है, वरना इसमें हम आइस भी डाल सकते हैं बहुत सारी। और शरबत शीरी हम लोग इसमें डालेंगे, ऐड करेंगे। हम डाल रहे हैं ये शरबत शीरी के तकरीबन 1 लीटर में हमने ले लिया 3 बड़े वाले चमचेस स्पून के, ठीक है। ये इतना लाइट होता है कि इसमें आपको बिल्कुल हैवी फील नहीं होता। आप रमज़ान में बड़े आराम से इसको 2-3 ग्लास भी पी सकते हैं, और दिल भी चाहता है गर्मी बिल्कुल के शरबत। आप तकरीबन 15-16 घंटे के रोजे के बाद आपको बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा इसमें आप आइस भी डाल सकते हैं, ये ऑलरेडी चिल्ड है वाटर, और गला भी ज़रा एक्चुअल ख़राब है तो इसलिए हम इसमें आइस नहीं डाल रहे। इसमें थोड़े से लेमन वेजेस डाल दिए तो ये थोड़ा टेस्ट में और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल रेडी हो गया, इसको हम सर्व करेंगे बिल्कुल के साथ सर्व करेंगे। इसको लेना हो उसने निकाला और आपने सर्व कर दिया, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये लेमन बचा था इसको चिकन पर डालना हो, ठीक है, आपने डाल दिया। चलिए बड़ी ज़बरदस्त डिश आपने बनाई, बहुत जल्दी बना ली जी। थक गए? नहीं बिल्कुल ही, एक और आइटम। अब आपको और जाके चिकन लेनी पड़ेगी। सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं आपकी बेगम, जी जबरदस्त जल्दी बनाई बिल्कुल। और बच्चों आपको क्या रहा, चीजें देखकर ज्यादा रोजा लग रहा है? कितनी बड़ी आवाज निकली, मामा ने बनाया आपका और अब आपने खाना है, ठीक है ना। आपकी बटर राइस और भी रखी वहाँ पे बहुत सारी, और आपकी भी पसंदीदा डिश है जी, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन। तो मेट्रो पे आपने देखा क्या जबरदस्त चीजें मिलती है, कि ये इतनी जो फैमिलीज हमारे पास आती है, अगर आप भी आना चाहें तो आप भी स्क्रीन पे चलने वाले नंबर के ऊपर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप मैसेज भी दे सकते हैं, और आप हमें हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन भी कर सकते हैं। मगर शर्त यही है कि आप शॉपिंग अगर करते हैं मेट्रो की तो आपने रेसिपीज भी बनानी है मेट्रो की प्रोडक्ट की। तो इसको टेस्ट करके तो मैं बाद में बताऊँगी, मगर बहुत बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त चीज़ें बनाई। और आप जो जिस तरह शॉपिंग वहाँ करते हैं, ये बहुत अच्छा लगा कि आदमी भी एंजॉय करते हैं, हालांकि आदमी इतना एंजॉय नहीं करता शॉपिंग। नहीं एक्चुअली मसला ये है कि फ़ायदा ये है कि हमें वहाँ जाके नए पाकिस्तान का एहसास होता है। कहीं और लगे ना लगे, लेकिन वहाँ लगता है कि हाँ कि कुछ चीज़ें वाकई महंगाई नहीं है। और आपको डिस्काउंट भी बहुत सारे मिल रहे होते हैं, बिल्कुल, चाहे वो किचन की प्रोडक्ट्स हो, वॉशिंग की, ये मैंने भी देखा है, ये आपकी पर्सनल चीजें हो वो आप सबको, हाँ बिल्कुल, आप जो चीजें लेना चाहें वो आपको हर जगह उसमें एक एडवांटेज आपको मिलता है। तो ये जबरदस्त चीज है कि हस्बैंड भी एंजॉय करते हैं, बच्चे भी एंजॉय करते हैं, तो ये वो चीजें आप भी जाएंगे, और आपने ये चीज़ें अपनी जो रेसिपीज आपने बनानी है तो वो प्रोडक्ट्स होंगी मेट्रो की। तो थैंक यू सो वेरी मच। मगर बिफोर दिस ये खास इसमें जो चीज़ें ज़्यादा हैं बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये बच्चों से बहुत अच्छा लगा और मुझे रेसिपी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच एनी और मसा, थैंक यू आपका, बहुत शुक्रिया। आपका रोज़ा है तो आप लोग इन्जॉय करेंगे आपके लिए, ठीक है। शुक्रिया बहुत बहुत कि अभी आपकी रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त थी, और आप भी आए हमारे साथ। अगर आप हमारे प्रोग्राम में शरीक होना चाहते हैं, नंबर्स को फॉलो करें और सब्सक्राइब भी करें फूडीज क्रिएटर्स को, मेट्रो की प्रोडक्ट्स से आके हमारे साथ रेसिपी शेयर करें। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी कुछ नई रेसिपी के साथ।